Hi friends, I am going to solve in these questions. Chalk contains 3% of carbon, 10% of calcium and 12% of oxygen. देखो कह रहा है कि एक चौक है, उस चौक में जो होता है 3% कार्बन है. कितना है उस चौक में आपको? 3% कार्बन है, 10% आपका कैल्शियम है और 12% जो ऑक्सीजन है. ठीक है, कर फाइंड द अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंस इन 1 kg ऑफ चौक. ठीक है, देखो मान लो कि आपका चौक जो होता है 1 kg है, 1 kg का 3% आपका कार्बन है, 10% आपका कैल्शियम है, 12% आपका ऑक्सीजन है. लेकिन जो भी आप निकालोगे उसकी अमाउंट कितनी है उसको ग्राम में निकालोगे. तो आपका चौक दिया है केजी में लेकिन आपको ग्राम में. तो देखो, तो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ. जो आपको देखो, यह आपका चौक है. ठीक है, ये चौक आपका 1 kg है लेकिन 1 kg को ग्राम में करने के लिए 1 kg कुल कितना होता है आपका? 1000 ग्राम होता है ना. इसमें जो था आपका है कितना है? 3% और कार्बन है, 10% आपका कैल्शियम है, 10% आपका कैल्शियम है और आपका जो था है 12% आपका ऑक्सीजन है. ठीक है, तो देखो आपका क्वांटिटी ऑफ चौक कितना है? क्वांटिटी ऑफ चौक, क्वांटिटी ऑफ चौक 1 kg मींस आपको सभी जो भी निकालना है, जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन कितनी है और कैल्शियम कितनी, सभी ग्राम में. देन इसको भी आप क्या चीज में ग्राम में कन्वर्ट करो. 1 kg इक्वल टू होता है आपका 1000 ग्राम होता है. ठीक है, 1000 आपका ग्राम होता है. अब देखो, अब निकालना आपको, सपोज निकालो कार्बन का, कार्बन कितनी है, क्वांटिटी प्रत्येक का क्वांटिटी पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है. बताओ कि प्रत्येक का कितना क्वांटिटी जो होता है कैल्शियम है आपका, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी है, कार्बन कितनी है, कैल्शियम कितनी है, ये सभी चौक में पूछ रहा है. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन, क्वांटिटी ऑफ जो कार्बन इन चौक, मतलब चौक में कितनी है. तो मान लो आपका चौक जो था 1000 ग्राम है. ठीक है, 1000 ग्राम का, इतना हिंदी में समझो, मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं आपको. आप मत जाओ कि हिंदी में लिखा हुआ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हजारों क्वेश्चन इस तरह का बना सकते हो. अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप हजार क्वेश्चन नहीं बनाए लेकिन आपका कभी भी अगेन आपको कोई क्वेश्चन दे दे फिर नहीं सॉल्व कर सकते. इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर करो. ठीक है, मीन्स 1000 का 3% आपका क्या है? कार्बन है. अब देखो कितना अच्छा, देखो काम इस होता है आपका गुना होता. ठीक है, आप जो सॉल्व करते कैसे लिखते हो, 3% कार्बन ऑफ 1000. इतना आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाया, 3% कार्बन ऑफ 1000 ग्राम ऑफ चौक. लेकिन ये देखो 1000 चौक का, चौक जो है, चौक का जो होता है 3%, जो भी चौक है उसका 3% उसका है आपका कार्बन है. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 3/100 परसेंटेज, 3/100 ऑफ मीन्स या काम इस तब गुना होता है, देन गुना एंड 1000. ठीक है, आपका 1000 से 10 ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, देन आपका कितना होगा, 30 ग्राम जो होता है आपका कार्बन है. क्या चीज में? आपकी जो होता है कैल्शियम में, कैल्शियम में आपका 30 ग्राम क्या है आपका? कार्बन है. अब निकालते चलते क्वांटिटी ऑफ जो होता है, क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम का. ठीक है, तो 1000 ग्राम का कितना परसेंट आपका कैल्शियम है? 10% आपका कैल्शियम है. चलो आपका भी मत मत ऐसे लिख देना, अपना जो भी लिखना, या एग्जाम में मत लिखना का आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि 1000 का 10% कैल्शियम, जितना है आपका कैल्शियम उसका जो होता है 10% कैल्शियम है. आप इंग्लिश में ऐसे लिख देना कि जो होता है 10% कैल्शियम ऑफ 1000, देन 10 को परसेंट कैसे, 1/1000
इन टू जो था इसको नहीं, थाउजेंड नहीं कर पाऊंगा, 10/100 क्योंकि परसेंटेज 1/100 इंटू आपका 1000, 10 से 10 कैंसिल, दूसरे का जैसे ये 0 कैंसिल, मीन्स आपका 10 × 10 मीन्स आपका हो गया 100 ग्राम, आपका क्या हुआ, आपका कैल्शियम हुआ। कैल्शियम जो है आपका चौक में जो कैल्शियम की अमाउंट है, चौक में जो कैल्शियम की अमाउंट है 100 ग्राम है, 30 ग्राम कार्बन है। अब देखो अब क्या निकालना है आपको, क्वांटिटी ऑफ जो है ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है, मतलब मान लो आपका 1000 ग्राम जो था आपका कैल्शियम है, तो 1000 ग्राम का आपका 12% ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में कैसे लिखते हो, देखो 12% ऑक्सीजन ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है, देन 12% का 12/100 इंटू आपका ऑफ मीन्स गुना होता है 1000, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ओके, देन आपका कितना हो गया, आपका जो हुआ आपका जीरो से जीरो आपका 120, मतलब 120 ग्राम जो है आपका क्या हुआ, 120 ग्राम जो है आपका जो हुआ क्या थी, ऑक्सीजन हुआ किसमें, आपका चौक में। देखो तो क्वेश्चन देखो, चौक में जो है कार्बन कितना है, कार्बन जो है आपका 30 ग्राम है आपके चौक में, और जो है कैल्शियम कितनी है, कैल्शियम 100 ग्राम है, और आपका ऑक्सीजन कितना है, 120 ग्राम है, ठीक है, सभी ग्राम लिख रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि चौक में जो था अगर 3% कार्बन है, 10% कैल्शियम है, 12% ऑक्सीजन है, तो कितने कितने अमाउंट है उसकी, कार्बन की, कैल्शियम, ऑक्सीजन की, तो आपने सभी निकाले। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ओके, थैंक यू दोस्तों, ताकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, थैंक यू दोस्तों, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब में आपको किसी पर खर्च नहीं लगता है, ओके, और मेरा भी और आपका दोनों का हेल्प हो जाता है, ओके, थैंक यू दोस्तों।